1945 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता और निर्देशक सुभाष घई का जन्म हुआ था। कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुभाष घई ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। सुभाष घई ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता से की थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि अभिनय उनके बस की बात नहीं तो उन्होंने फिल्म निर्देशन में अपनी किस्मत आजमाई। 1976 में आई फिल्म कालीचरण सुभाष घई द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अपने हिंदी सिनेमा करियर में उन्होंने करीब 16 फिल्में लिखी और निर्देशित की, जिनमें से 13 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर्स हिट साबित हुई। कर्ज, कर्मा, सौदागर, राम लखन, खलनायक, हीरो आदि इनके द्वारा निर्देशित बेहतरीन फिल्में हैं। साल 2006 में सुभाष घई को सामाजिक फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 1950 में आज ही के दिन भारत की संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया और इसके साथ ही राष्ट्रगान को भी अपनाया था। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। 1962 में अपने पद को त्यागने के बाद वह पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में जनसेवा कर आगे का जीवन व्यतीत करने लगे। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जया हे को भारत के राष्ट्रगान उन्हीं के कार्यकाल में स्वीकार किया गया था। मूल रूप से बंगाली में लिखे इस गीत की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आबिद अली ने इसका बंगाली से हिंदी में अनुवाद किया था। 1966 में आज ही के दिन ओलप्स की पहाड़ियों में मोनब्लॉ के शिखर के नजदीक एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत हो गई थी। विमान मुंबई से न्यूयॉर्क की उड़ान पर था और स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे यह दुर्घटना हुई। विमान स्विट्जरलैंड में जिनेवा हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी में था कि उसी वक्त यह दुर्घटना हुई, जिसमें सभी 106 यात्री और चालक दल के 11 सदस्य मारे गए। बचाव दल को मलबा चोटी से 1400 फुट नीचे मिला। दुर्घटना की वजह का तुरंत पता नहीं चल सका और सभी शव निकालने में कई दिनों का समय लग गया। 2009 में आज एक दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इस दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। देश में लड़कियों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का फैसला किया था। इस दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। देश भर में लड़का लड़की में भेद नहीं करने और समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक कराया जाता है। इसके साथ ही महिला और बाल विकास विभाग अपने स्तर पर समाज में बाल कन्याओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम करता है। और 2011 में भारत के मशहूर शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का निधन हुआ था। शास्त्रीय संगीत के गायक के साथ साथ भीमसेन भक्तिमय भजनों और अभंगों के लिए भी जाने जाते हैं। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त पंडित भीमसेन अक्सर ग्रामोफोन रिकॉर्ड की दुकान पर रुककर गाना सुना करते थे। महज 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गुरु की खोज में घर छोड़ दिया था। 19 साल की उम्र में गायन शुरू किया और 7 दशकों तक शास्त्रीय गायन करते रहे। पंडित भीमसेन जोशी को मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसमें उनके साथ बाल मुरली कृष्णा और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की थी। इस गाने ने पंडित जी को घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। 1998 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। इसके साथ ही 2009 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।